जो अभी टाटा नैनो आती है इसके टायर के बारे में अपने आज बात कर लेते हैं। इसमें क्या इसकी साइज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि जो आगे पीछे के दोनों का टायर की साइज़ अलग अलग है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, मैं पहले बात कर लूँ, इसमें जो आगे पीछे के टायर आते हैं ये अलग साइज़ के हैं, आगे के अलग के, मतलब ये चौड़ाई के ऊपर है, ये विड्थ की बात, मतलब ये पूरी हाइट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें भी 12 इंच के ही टायर आते हैं, ट्यूबलेस ही आते हैं। सेम ये 800 में भी आते हैं, लेकिन वो टायर इसमें सेट नहीं हो सकते, वो अलग पूरा उनका अलग पैटर्न है। ठीक है, मुझे भी पहले ऐसा था, अपने मैकेनिक को मैंने पूछा तो उसने मना किया था। ठीक है, अभी जो मैंने टायर डलवाए हैं तो ये रहे, ये है 145/70 R15 की है, मतलब 12 का है। ठीक है, रेडियल टायर है, ट्यूबलेस। ठीक है, ये अभी मैंने हाल लॉकडाउन में डलवाया था, आपको मैं पुराना टायर दिखा दूँ। तो ये रहा अपना पुराना वाला टायर। तो अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो साइज़ की अलग है, जैसे पीछे की साइज़ में जो अगर आप बात करोगे तो 155 आता है, 155/65 R12 की आता है टायर। ठीक है, ये ओरिजिनल का टायर था इसके अंदर का, क्या लॉकडाउन के टाइम मेरे को टायर नहीं मिला तो ये थोड़ा मेरे को 145 का डालना पड़ा। 145 मतलब जो ये इसकी जो ये हाइट आती है ना, ये नहीं, ये चौड़ाई इसकी ना, वो तो दोनों के टायर में अगर आप ध्यान से देखोगे चौड़ाई में अंतर है। ठीक है, यही अंतर सेम आगे वाले में, आगे में और पतले टायर आते हैं, जैसे ये पीछे आता है 155, ठीक है, और आगे आता है 135, और जो मैंने डलवाया उसके बीच का 145 वाला। ठीक है, ये है, तो आगे की टायर सेम अपने देख लेते हैं, मैं कंपेयर भी करवा दूंगा। ये है CR का टायर है, और ये रहा इसका, तो ये है 135/70 R12। ठीक है, और यही सेम अगर पीछे के टायर में देखें तो ये डिफरेंस है दोनों में, बस जो पीछे का ओरिजिनल टायर आता है अपने टाटा नैनो का, तो ये 135 वाला है, ये सॉरी 155/65, यहाँ 5 कम हो रहा है और ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका रेशियो कम हो जा रहा है, ये मतलब बढ़ जा रहा है 70, ये जो इसकी ये हाइट है थोड़ी ज़्यादा है, और इसकी ये वाली हाइट इसकी कम है, ये रेशियो होता है। 155 इसकी ये चौड़ाई है, उसका 65% इसकी ये है, और ये जो इसका रेडियस है वो 12 है। ठीक है, ये होता है, और मैं आपको इसमें और दिखा दूँ, आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे देख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा 33/17, मतलब ये 33वां वीक है, और 2017 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है टायर, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या हुआ था, थोड़ा इसमें पीछे कैम्बर क्या बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम था, तो ये टायर घिस गया, इसकी वजह से ये डालना पड़ा। और जो अपना ये टायर है ये उससे पुराना है, ये आगे वाला टायर, ये 2017 का ये भी है, इसका लिखा ये रहा। ठीक है, ये है, नहीं लिख पा रहा होगा, ये है 28/2017 का। ठीक है, तो दोनों टायर अलग अलग आते हैं, ये माइलेज है, CR का डाला था, और ये भी CR का है, ये भी माइलेज है। ठीक है, ये दोनों पीछे के बदलाए थे, लेकिन ये टायर कम चला, ये मुझे बदलना पड़ा टायर। मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आगे के टायर आपको 2000 से 1000 के बीच में ये आते हैं, नहीं 2000 से लेकर 2100 के बीच में आते हैं, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, और अब कोई थोड़ी दूसरी ब्रांडेड कंपनी का लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, और जो पीछे के टायर आते हैं वो लगभग 2400 के आसपास आते हैं, वो मुझे 2400 को पड़ा, तो मैंने 4800 में पूरा सेट बदला था पीछे का, उस साइड का भी मैंने दोनों साथ में डलवाया था। ठीक है, फायरस्टोन का टायर है, उस टाइम क्या लॉकडाउन में कोई ऐसी जो मिला वो डालना पड़ा। ठीक है, नहीं तो अपना प्लान था CR का माइलेज डालने का, उसकी जो लाइफ है ज़्यादा है। ठीक है, इसकी 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी और 3 साल की कुछ कंपनी वारंटी क्या है जो भी है, इसके हिसाब से आगे का टायर। नैनो के टायर में साइज़ को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, जो खासकर जो अपने नए में जब गाड़ी खरीदते तब, क्योंकि ये दोनों टायर इसकी साइज़ अलग अलग है ऐसे तो। ठीक है, पीछे के लिए सबसे बेस्ट यही है, 155 वाला डलाते हैं। ठीक है, और आगे 135 का है, ये टायर का पूरा स्पेसिफिकेशन है नैनो का, इसमें आप एलॉय व्हील भी डलवा सकते हो। ठीक है, एलॉय व्हील कुछ लिमिटेड एडिशन में आता था। ये रही अपनी पूरी डिटेल इसकी टायर की, कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट करके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।